मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि दूसरे प्लेनेट के कैदी एलियन को सजा देने के लिए वहां के एलियन उन्हें पृथ्वी के लोगों के अंदर कैद कर दिया करते थे, और जब वह इंसान मरता था तो उसके अंदर का एलियन भी मर जाता था। अब पास्ट के समय में हम देखते हैं कि एक औरत हवा में होती है और उसे बचाने के लिए कुछ सिपाही उसके पास जाते हैं, पर लेडी के अंदर कैद हुआ एलियन बाहर निकलकर उन सभी सिपाहियों को एक एक कर मारने लगता है। लेकिन एलियन 5 मिनट से ज्यादा इंसान के शरीर के बाहर नहीं रह सकता था। तभी आसमान से फटकर एक गाड़ी आती है जिसमें से एक बड़ा और एक छोटा रोबोट निकलता है। दरअसल इन रोबोट को दूसरे प्लेनेट के एलियन ने बनाया था ताकि ये रोबोट आजाद हुए कैदी को फिर से पकड़ सके। तभी वो एलियन लेडी के अंदर चला जाता है और रोबोट पर हमला कर देता है, मगर रोबोट अपनी पावर से उसे लेडी के शरीर से बाहर निकालता है। ऐसा होते ही लेडी मरने लगती है, पर मरते टाइम वह रोबोट से कहती है कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। तब तक एक सिपाही उसकी बेटी पर तीर चलाता है, लेकिन वह छोटा रोबोट इंसानी रूप में आकर छोटी बच्ची को बचा लेता है। आखिर तो वो रोबोट था, पर उसके अंदर भी इंसानों जैसी फीलिंग्स थी। इसके बाद दोनों रोबोट इंसानी रूप में आ जाते हैं, जिसमें से बड़े रोबोट का नाम गार्ड था क्योंकि वो सभी एलियन को पकड़ा करता था, और दूसरा वाला बस उसकी मदद करता था। इसके बाद दोनों एक खंजर की मदद से समय का दरवाजा खोलकर भविष्य में चले आते हैं, जहां गार्ड एलियन को एक अलग जेल में बंद कर देता है। तभी गाड़ी के अंदर से छोटी बच्ची की आवाज आती है। गार्ड जब गाड़ी खोलता है तो उसमें वही बच्ची होती है जिसे उसके साथी ने अपने साथ ही यहाँ ले आया है, जिसका नाम यान है। गार्ड बच्ची को लाने पर गुस्सा करता है, पर उसका साथी बताता है कि हम इसकी दिमाग को पढ़कर इंसानों के बारे में जान सकते हैं। इस बात पर गार्ड मान जाता है और बच्ची को रहने देता है। इसके बाद हमें पास्ट का समय 1391 में एक जादूगर को देखते हैं जिसके पास 2 बिल्लियां भी है, जिसके साथ मिलकर वो चोरों को पकड़ा करता था, जिसके बदले में उसे राजा से इनाम मिलता था। अब एक दिन जादूगर को पता चलता है कि एक कीमती खंजर है जिस पर बहुत बड़ा इनाम है, जो भी इसे ढूंढेगा उसे इनाम दिया जाएगा। खंजर की तस्वीर देखने पर उसे लगता है कि वो इस खंजर को पहले कहीं देख चुका है, पर उसे कुछ याद नहीं आता। इसके बाद वो एक नजूमी के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि सबसे पहले वो खंजर एक मछुआरे को मिला जिसमें काफी हीरे जड़े थे। उसे निकालने वो एक लोहार के पास गया, पर बात नहीं बनी। लोहार हीरा नहीं निकाल पाया और अब वो खंजर एक ऑफिसर के पास है जिसने उसे खरीदा था। जादूगर इंसानी रूप में आए बिल्लियों के साथ उस ऑफिसर के पास पहुंच जाता है। उस समय एक और आदमी भी आया होता है जिसे देखने पर ऐसा लग रहा था मानो वो भविष्य से आया हो। वो ऑफिसर से कहता है कि ये खंजर मेरा है और अब इसे मुझे दे दीजिए। तभी उस आदमी के अंदर कैद एलियन बाहर आकर ऑफिसर को मारकर खंजर लेने की कोशिश करता है, मगर ऑफिसर खंजर को शरीर से निकाल कर बाहर फेंक देता है और उसकी मौत हो जाती है। इधर वो नजूमी भी खंजर को हासिल करने आया होता है। वो खंजर को लेकर भागने लगता है, पर एलियन उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। अब जादूगर भी उसके पीछे चला जाता है। जादूगर एलियन को रोकने की कोशिश करता है, मगर एलियन उसे ही मारकर बेहोश कर देता है। होश आने के बाद इनकी नजर एक स्पेस शिप की तरफ जाती है, जहां नदी के उस पार उन्हें एक लड़की दिखाई पड़ती है, जिसे देखने के बाद ये लोग थोड़े सोच में पड़ जाते हैं। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम 2022 का दिखाया जाता है, जहां वो बच्ची यान और गार्ड होते हैं जो अब काफी बड़ी हो चुके हैं। यान काफी समझदार होती है, वो गार्ड को अपना डैड समझती थी, पर उसे पता है कि उसके डैड एक रोबोट है और इस बात को वो सभी लोगों को बताना चाहती थी, जिसके लिए वो सबूत इकट्ठा कर रही होती है। अब दोनों जब कार में होते हैं तो यान चुपके से अपना फोन का रिकॉर्डिंग ऑन करके सीट पर छिपा देती है, और जब गार्ड कार पर अपने साथी से बात कर रहा होता है तो चुपके से यान उसकी बातें सुनती है। गार्ड का साथी कह रहा होता है कि 107 कैदियों का ट्रांसपोर्ट पृथ्वी पर 18 घंटे में पहुंचने वाला है। इसके लिए उन्हें 107 इंसान एक ही जगह में चाहिए, पर लोकेशन डिसाइड नहीं था। रात में यान कार से बात करने की कोशिश करती है, पर कार कोई जवाब नहीं देता। लेकिन जब वो गाड़ी से अपना फोन निकाल रही होती है, तब गलती से वो एक छोटे जेल को खोल देती है जहां एलियन कैद थे, मगर इससे पहले वो कैदी को आजाद करती तभी वहां गार्ड का साथी आकर जेल बंद कर देता है। अब यान मिनी रोबोट को देखकर काफी खुश हो जाती है और उसे ढेर सारे सवाल करती है, तो उसे बताना पड़ता है कि हम एलियन को सजा देने के लिए उन्हें इंसानों के अंदर कैद करते हैं, जिसके लिए हम कभी पास्ट तो कभी फ्यूचर जाते हैं, और तुम्हें भी हम
पास्ट से ही लाए हैं। इतने देर में यहाँ गार्ड आने लगता है तो यान कार से निकलकर छिप जाती है। गार्ड का साथी उसे बताता है कि सभी एलियन को एक हॉस्पिटल में कैद करना है जो यहाँ से कुछ ही दूर में था। यान छुपकर उनकी बातें सुन लेती है, इसलिए अगले सुबह होते ही यान हॉस्पिटल जाती है। वो यहाँ आकर सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है। इसी दौरान आकाश में उड़ रहे स्पेसशिप से एक पत्थर निकलकर हॉस्पिटल में आ गिरती है। नीचे गिरते ही पत्थर गोल्डन रंग के पिलर में बदल जाता है जिसके अंदर से बड़े अजीब से टेंटिकल्स निकलते हैं जो आसपास के सभी लोगों के अंदर जाने लगती है। तब तक यान उन टेंटिकल को देख लेती है और भागकर छिपने लगती है। दरअसल ये टेंटिकल्स इंसानों के अंदर एलियन को कैद कर रहे थे जिस बारे में गार्ड उसके साथ ही बात कर रहे थे, यानी उनका मिशन कंप्लीट हुआ। अब गार्ड हॉस्पिटल पहुंचकर यान को देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि वो यहाँ क्यों आई है। वो यान पर ज्यादा ध्यान ना देकर उस पत्थर को लाने जाता है क्योंकि वहाँ अब सब नॉर्मल हो चुका था। पर हैरानी की बात थी कि अभी वहाँ जो कुछ भी हुआ वो लोगों को बिल्कुल याद नहीं था। फिर पास्ट में हम जादूगर और उनके साथियों को देखते हैं जो एलियन के तलाश में उसके ठिकाने तक पहुंच जाता है। वहां उन्हें पता चलता है कि पवित्र स्थल के गुरु जुजांग को भी वो पत्थर चाहिए। इधर उस पवित्र स्थल के गुरु जुजांग के पास एक हस्बैंड वाइफ जादूगर थे जो गुरु को अपने जादुई सामान बेचने आए थे, मगर गुरु को तो खंजर चाहिए इसलिए वे उन्हें खंजर लाने का आदेश देते हैं। तो दोनों जादूगर जुजांग के सिपाहियों के साथ एक घर में जाते हैं जहाँ पे खंजर रखा हुआ था। अब जादूगर एक आदमी को वश में करके खंजर लाने को कहता है और जब आदमी खंजर लाता है कि तभी एक लड़की आकर जादूगर पर हमला कर देती है और खंजर हासिल कर लेती है। लेकिन इतनी देर में गुरु जुजांग आकर लड़की पर हमला करके बेहोश कर देता है और खंजर ले लेता है। सीन कट होकर प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ यान अपने दोस्त को एलियन की रिकॉर्ड की हुई वीडियो दिखाती है, पर गार्ड वहाँ आकर यान को ले जाता है और अच्छे से समझाता है कि वे दोनों पृथ्वी पर इसलिए आए हैं ताकि वे एलियन के हमले से लोगों को बचा सके। अगले दिन बैड एलियन का बड़ा स्पेसशिप पृथ्वी पर आ रहा था जिसका मकसद केद एलियन को आजाद करना था। तब गार्ड और उसका साथी उसे रोकने जाते हैं जहां यान भी उसके साथ जिद करके आ जाती है। उधर स्पेसशिप से एक रोबोट निकलता है जो एक पुलिस ऑफिसर के पास पहुंचता है जिसके शरीर में सबसे खतरनाक एलियन है जो सभी एलियन को कंट्रोल करता है, मगर ऑफिसर के अंदर कैद एलियन को जगाने के लिए वही कीमती खंजर की जरूरत थी जो प्रेजेंट टाइम में गार्ड के पास था। रोबोट को रोकने के लिए गार्ड अपने रोबोट रूप में आ जाता है जहां इनके बीच काफी खतरनाक फाइट होती है, पर रेड रोबोट गार्ड को हराकर खंजर ले लेता है, मगर इधर वो ऑफिसर अपनी कार से भाग रहा होता है लेकिन रेड रोबोट अपनी शिप से उसका पीछा करता है, जिसके बाद गार्ड भी अपने स्पेस शिप में आकर एलियन के शिप पर हमला करने लगता है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा रेड रोबोट ही गार्ड के स्पेस शिप पर हमला कर रहता है जिससे गार्ड का स्पेस शिप पानी में जा गिरता है। अब रेड रोबोट पुलिस ऑफिसर को भी पकड़ लेता है और हमला कर देता है जिसकी वजह से उसके शरीर में कैद एलियन बाहर आ जाता है, पर फिर भी गार्ड दोबारा खतरनाक एलियन को कैद करने की कोशिश करता है लेकिन रेड रोबोट उसे रोकता है जिसके वजह से गार्ड नाकामयाब रहता है। अब रेड रोबोट का मिशन पूरा हो गया था इसलिए वो गार्ड को पकड़कर एक जोरदार धमाका करता है ताकि गार्ड मर जाए, पर गार्ड नहीं मरता, सिर्फ उसकी एनर्जी लॉस होने पर वो बेहोश पड़ा था। तब उसका साथी अपनी एनर्जी देकर उसे होश में लाता है। दूसरी ओर एलियन अब ऑफिसर के शरीर से निकलकर स्पेस शिप में जाता है ताकि वो अपना काम कर सके। अब इस स्पेस शिप में रेड कलर के बड़े बड़े गोले थे जिसके मदद से सभी कैद एलियन आजाद हो जाएं और उनके रहने लायक वातावरण मिल सके, पर गार्ड खुद ही स्पेस शिप के अंदर आकर एलियन पर हमला करता है। दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है जिस पर गार्ड एलियन पर भारी पड़ रहा था और अपनी ताकत से एलियन को शिप के बाहर फेंक देता है, पर एलियन के साथ साथ दो रेड गोले भी बाहर आ जाते हैं, मगर एलियन बाहर में इंसानी बॉडी के बिना नहीं रह सकता था। उसकी नजर यान पर पड़ती है जिस वजह से वो उसके पास जाने की कोशिश करता है, पर ये देखकर गार्ड का साथी एलियन पर हमला करने लगता है जिस वजह से एलियन दोबारा ऑफिसर के बॉडी में चला जाता है। फिर एलियन अपने बड़े से टेंटिकल्स निकालकर रेड गोले को हवा में ही फोड़ देता है तो गोले से गैस निकलकर पूरे शहर में फैल जाता है जिसे इनहेल करने पर लोग मर रहे होते हैं और एलियन जो इंसान के अंदर कैद थे वो जाग रहे थे। गार्ड का साथी यान से कहता है कि ये खंजर ही हमारे एनर्जी का सोर्स है जिसके मदद से हम टाइम ट्रेवल यानी पास्ट फ्यूचर में आ जाते हैं और एलियन को पकड़ते हैं। इधर गार्ड की एनर्जी भी धीरे धीरे लो हो रही थी और अब वो एलियन भी यहाँ आने ही वाला था,
इसलिए गार्ड अपने साथी से यान को दूर ले जाने के लिए कहता है ताकि उन्हें कोई खतरा ना हो। उनके जाने के बाद गार्ड यान की दी हुई तस्वीर देखता है जिसके पीछे लिखा हुआ था कि प्लीज भाग जाइए, क्योंकि यान उसे बिल्कुल अपना फादर मानती थी। यान के कुछ दूर जाने के बाद गार्ड का साथी यान को बताता है कि गार्ड की लाइफलाइन अब खत्म होने वाली है। ये सुनकर यान घबरा जाती है और गार्ड के पास वापस चलने को कहती है, तो काफी बहस के बाद गार्ड के पास ले जाने लगता है। इधर वो एलियन गार्ड के पास आकर उसे मारने लगता है। गार्ड की एनर्जी लेवल काफी लो होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तब गार्ड का साथी आकर कहता है, अब भी हमारे जीतने के चांसेस हैं अगर हम शिप के मेन जगह डेड लाइट पर हमला कर दे तो। अब गार्ड खंजर को शिप के बाहर फेंक देता है जिसका इस्तेमाल करके गार्ड का साथी शिप पर हमला करने वाला होता है, लेकिन एक दूसरा एलियन वहां आकर उस पे हमला कर देता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। बुरा एलियन भी गार्ड को शिप के बाहर फेंक देता है। अब गार्ड यान के साथ खंजर को लेकर भागता है जिसके साथ उसका साथी भी था। गार्ड खंजर की मदद से एक पोर्टल खोलता है जिसके जरिए वो पास्ट में पहुंच जाते हैं, मगर उनके पीछे पीछे एलियन भी वहां पहुंच जाते हैं। यहां भी एलियन और गार्ड की लड़ाई होने लगती है, मगर गार्ड हारने लगता है जिसे देख यान एलियन के इंसानी बॉडी पर गोली मार देती है जिससे वो मरने लगता है। तभी एलियन गाड़ी को नीचे गिरा देता है जिस पर यान बैठी थी। गाड़ी सीधे नदी में गिरती है। नदी में खंजर यान के हाथों से छूट जाता है और कहीं खो जाता है। गार्ड का साथी यान को नदी के किनारे लाकर स्विच ऑफ हो जाता है। उधर एलियन अपने आप को बचाने के लिए दूसरे शरीर के तलाश में चला जाता है। तभी एक छोटे बच्चे को नदी के किनारे यान मिलती है। यान होश में आकर बच्चे से खंजर लाने को कहती है। वो बच्चा नदी में जाकर खंजर ढूंढने लगता है, मगर उसे सिर्फ यान का बैग ही मिलता है। दोनों रात में आग के सामने बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें खतरे का एहसास होता है, तो बच्चा यान को संतावना देकर देखने चला जाता है। इधर हस्बैंड वाइफ जादूगर को भी पता चल जाता है कि गुरु जुजांग और सूट वाला आदमी इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है। दोनों जादूगर अपने जादू से जुजांग को बड़े से मटके में कैद कर देते हैं और दूसरा एलियन यान को अपने वश में करके मारने वाला था कि तभी वहां जादूगर पहुंच जाता है। वे अपने जादुई पंखे से दो बड़े बड़े तलवार निकालकर उसके टेंटिकल्स काट देता है जिससे यान आजाद हो जाती है। जादूगर अपनी तलवार से एलियन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। उधर मौका देखकर यान भी एलियन के ह्यूमन बॉडी पर एक जादुई आईने के आर पार गोली चलाती है जिससे गोली काफी बड़ा होकर कवच को तोड़ता हुआ सीधे ह्यूमन बॉडी के शरीर में लगता है। तभी मटके में कैद एलियन आजाद हो जाता है, मगर यान वहां से भाग जाती है। अब एलियन अपने खतरनाक रूप में आकर यान का पीछा करते हुए नदी तक चला जाता है, मगर यान उसे नहीं मिलती। इधर यान जिस एलियन के ह्यूमन बॉडी पर गोली चलाई थी वो जादूगर से ये कहता है कि जरूर तुम्हारे अंदर कुछ है और मर जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि यान ही होती है। अगर दोस्तों आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर